तो उस ऑडियो में कुछ और था, ललकारा था ना, ठीक है तुमने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन जब पति उसका करैक्टर लेस है पुत्तन का, पर वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग एक तो लाइक करो, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं बैक टू बैक, अभी आप लोगों को एपिसोड मिलेंगे। यहाँ पर बात तो पहले यही कर लेते हैं, तू मेरा है तू मेरा ही रहेगा, अपने पति को बोलती हुई पुत्तर नजर आई। तू तड़ाक एक बार फिर से शुरुआत कर दी है पुत्तर ने। आप लोगों को याद होगा कि अपने घर में भी ऐसे ही कुछ बातें करती थी बिफोर मैरिज, है ना। तो आफ्टर मैरिज जो है, जब ये कुछ एपिसोड ऐसे आए थे जिसमें कि मतलब घर में ही रह रही थी ये, उसके अपना नन्नू के, ये मतलब हस्बैंड वाइफ इकट्ठा ही रह रहे थे, तो एक बार में तुम ये कर लो तुम वो कर लो, तो वो नन्नू जो कहता होता नजर आता था वो आप ही कहता था, ठीक है। और वहाँ पर उसने ये चीज़ बोल दी थी कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए हम लोग कितने भी एडवांस हो जाएं, कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हमारी लैंग्वेज वो ही रहेगी जो हम अपने घर में बोलते हैं, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो, दो चार कमेंट्स मैंने रिमूव भी करे हैं। मैं भी दिल्ली में हूँ इस समय, दिल्ली की लैंग्वेज जिनकी गंदी होनी है उनकी गंदी है, जिनकी नहीं गंदी होनी है उनकी नहीं है। डिपेंड करता है आप कैसी फैमिली में रहते हो। बच्चों को पता होता है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ पर कैसी बातें करते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ कैसे होते हैं, लेकिन फैमिली में ये बातें लो नहीं है, तो आप फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं करोगे। ऐसे ही डिम्पल व्लॉग्स भी अपनी वाइटी फैमिली से रिक्वेस्ट करता है कि किसी की मैं कहते हैं ना, लाइक ए मदर, लाइक ए सिस्टर, है ना, एल्डर सिस्टर, लाइक ए आंटी, है ना, तो हो ना, तो फिर बड़ों का रिस्पेक्ट करें यहाँ पर। तो कमेंट सेक्शन में भी आप जब लिखते हो ना तो रिस्पेक्टफुली ही कमेंट करें। अगर दिल्ली की भाषा में कोई मतलब, मैं देखिए वर्ड नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पर, बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है, मैंने सुना भी है, देखकर सुनकर इग्नोर भी करा है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूपी में भी जो है कि वो कहते हैं वाह तुम्हारे क्या जलवे हैं, हमें वो भी नहीं अच्छा लगता, सच्ची बता रही हूँ मैं, हमें वो बातें भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? डिपेंड करता है, यहाँ पर एक इंडिया ही है जिसका कि जैसे जैसे आप थोड़े किलोमीटर दूर जाओगे तो भाषा बदल जाती है, भाषा तद्बील हो जाती है, अलग ही लैंग्वेज सबकी हो जाती है। तो लेकिन यही है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में पले बड़े हो। एक ऐसा माहौल होता है जिसमें जी हाँ होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हो, एक ये होता है ना, एक होता है तुमने ऐसे कैसे कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू कौन होता है बोलने वाला। ये पुत्तन फैमिली लैंग्वेज है जो आप लोगों को दिखाई जाती है जहाँ पर ऑन कैमरा, वो डिफरेंट है। अच्छा जी, आप लोग बोलोगे कि डिम्पल जी आपको ये सारी बातें कैसे पता है। जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ पता है, पुत्तन की आदत ही रही है स्टार्टिंग से ही लाइव करते रहना, लेकिन एक अटैचमेंट रही है हमेशा से पुत्तन के साथ, बेशक वो फेक चेहरे के साथ यहाँ पर आई थी या जैसे भी, या फिर कहने की जिसके पास नया नया पैसा बोलता है ना, उनका रुतबा जो होता है ना, जितनी जल्दी ऊंचाइयाँ छूता उतनी जल्दी, जैसे बड़ा पावर गर्ल अपनी लैंग्वेज पर आ गई, अब उसको भी नॉर्मली नहीं कहा जाएगा कि जब उसने वो लैंग्वेज बोली तो उसकी वीडियो क्लिप्स बन बन के सबके साथ शेयर हुए, तो आप देख सकते हो कि क्या ही रिस्पेक्ट, कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, है ना। तो भैया जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, है ना, उसके पास सिर्फ इज्जत है, मिडिल क्लास मरता ही यहाँ पर है कि इज्जत के लिए। अमीर जो होता है उसकी पीठ पीछे 100 बुराइयाँ होती हैं, है ना, उसके मुंह पर जो है सब लोग हंसते बोलते हैं क्योंकि उसका पैसा बोलता है, इज्जत उनकी हो ही ना हो लेकिन सामने इज्जत होती है, ये बताना चाहती हूँ, है ना। थाने कचहरियों कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर काट लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली इससे भी डरती है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली मरती है तो एक इज्जत को मरती है। यहाँ पर पुत्तन ने सोशल मीडिया पर एक इतना बड़ा टाइटल लिखकर ये वाली रिस्पेक्टफुली, अपन ने जो बात रखी है ना कि तू मेरा है मेरा ही रहेगा, ये जो उसने ऐसे टाइटल में ही सारी कहानी बयां कर दी है, और उसमें फिर उसने ये चीज भी बोली है कि मेरा ही तो दिया खा रहे हो। पुत्तन ये तुम कब तक बोलती रहोगी, पुत्तन तुम किसका दिया खा रही हो कभी वो भी तो बताओ, है ना। भगवान का दिया सब कुछ है ना, लेकिन तुम तो भगवान से भी ऊपर बन रही हो, भगवान ने ही तुम्हारी तो कोई स्टेटमेंट पर ही तुम
अभी तक मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, पुत्तन अपने स्टेटमेंट पर ही कभी पक्की नहीं रही है, है ना। तो पुत्तन ने हमेशा लाइव करी है, पुत्तन ने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं इसलिए हमें पता है, लेकिन उसके जो स्पोर्टर हैं, चुनिंदा स्पोर्टर ये कह दें कि भाई जुम्मा जुम्मा चार दिन जिनको जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरी कहानी ब्याह करते हुए नजर आते हैं, वो भी अपने अंदाज में, एक्चुअली उनकी भी लैंग्वेज वही है, है ना। तो बस वही मैं बताना चाहती हूँ, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा में ही रहते हुए, अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा का सदुपयोग करते हुए, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप उतना ही लिखे, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और पुत्तन से भी कहना चाहती हूँ, कितने भी मुखौटे पहन लो, थोड़ी देर के लिए वो सब राज राज रहते हैं, उसके बाद सब ओपनली सबके सामने आ जाता है। चलिए मैं आज सारी बातें यहाँ पर खोलने वाली हूँ, यहाँ पर पड़ोसन के भी वो बातें खोलने वाली हूँ कि पड़ोसन खुद ही भूल चुकी है कि एक्चुअली में उसने रिकॉर्डिंग क्या की थी, ठीक है। तो उसने जो रिकॉर्डिंग की थी उसने वो पब्लिकली सबको सुनाया भी था, ठीक है, वो हमने भी सुनी है बातें, लेकिन शायद वो रिकॉर्डिंग आज भी उसके पास होगी, लेकिन वो पब्लिक नहीं कर सकती है ना। तो जी वो पब्लिक नहीं कर सकती, तो एक बार फिर से वो अपनी वो रिकॉर्डिंग सुने, तो उस रिकॉर्डिंग के तहत ही वो अपने एपिसोड बनाए, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। अब मर्यादा कितनी है किसकी, वो तो सबको पता लग ही गया। बात तो मैं पुत्तन की कर रही थी, है ना। तो पुत्तन के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुत्तन नहीं चाहती है कि वो डिवोर्स ले, पुत्तन नहीं चाहती है डिवोर्स ले, और ना ही वो चाहती है कि जो नन्नू है वो भी डिवोर्स ले। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो कि वो भी नहीं चाहती होगी कि कोर्ट में हाजिर हो, जब किसी के सामने ऐसे आए, है ना, कुछ ऐसी बातें होंगी। ऐसा मेरे साथ अभी जस्ट इंस्टा पर भी शेयर हुआ है, लोग अपनी बात रखते हैं, मैं किसी की बातों को, वो कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बताना अगर चाहती हूँ तो बताती हूँ, अदरवाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि और कितना तमाशा बनाओगे, है ना। और पुत्तन का यही कहना कि पुत्तन का दिया ही नन्नू खा रहा है, तो जो उसने पहले से चैनल अपने ओपन करे हुए थे वो ग्रो नहीं हो रहे थे, जैसे ही पुत्तन की मैरिज हुई है तो वो चैनल जो है वो ग्रो होने लग गए, है ना। लेकिन उसमें पुत्तन का ये कहना था, पुत्तन अपनी स्टेटमेंट अभी सुन लेना, तुमने पहले क्या दी थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो मेरे कुछ दाने उस घर में रहते हैं, है ना। अब वो दाने या सामान है वो तुम्हें पता होगा। अब ये जो कहावत तुमने बोली थी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये नाम तुमने नन्नू को नहीं दिया, तुमने कहा ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये भगवान की कृपा से हुआ है। अदरवाइज कपल व्लॉग्स उस समय बहुत चल रहे थे, हिट हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम शादी करके और उनके घर गई थी, ठीक है। तो ना करती तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करती जो सोशल मीडिया पर नहीं था। अब ये तो नहीं कि नन्नू तो था ही नहीं सोशल मीडिया पर, आज भी वो एपिसोड अगर पब्लिक है तो आप लोग देख सकते हो कि जब ये गुलाब चंद के साथ जलंधर विजिट किया था, जब फिर गायब गाहे इनके घरों में जाता होता था, मैं यहाँ पर ना तो नन्नू की सपोर्ट करती नजर आती हूँ, ना ही मैं सपोर्ट करती नजर आऊंगी पुत्तन की, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब कि एक चीज यहाँ पर मैं जो सही है मैं उसी की बात करती हूँ जो मेरी नज़र में सही है, ठीक है, मैं ये बताती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप हर बात मेरी एग्री करोगे, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी सोच अलग है, हो सकता है वो मैं गलत ही सोच रही हूँ, है ना। लेकिन मैंने इतना तो देखा है कि फर्स्ट कभी भी नन्नू फैमिली की ओर से नहीं हुआ, चाहे वो कीचड़ उड़ाने को लेकर था, चाहे वो फेस वैल्यू बनाने को लेकर था, चाहे वो लाइव करने को लेकर था, चाहे वो रिप्लाई लेकर करने को था। कमेंट सेक्शन में भी आकर खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं पुत्तन ने, पुत्तन की आईडी, पुत्तन का नेम हमें नहीं पता, लेकिन वो जी अब कल झूठी बोल चुकी है कि पुत्तन का नाम तो कुछ और है। ओके झूठी, तुम्हारे अपने व्यूज जो गिरे पड़े हैं, तुम्हारी बहनियाँ को देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। जब ये अकेलेपन की शिकार हो जाती है उस समय, देखिए सिर्फ पुत्तन ने, बहुतेरी लड़कियाँ हैं, है ना, आदमी स्ट्रांग होते हैं कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, लेकिन पुत्तन तो गजनी बनी हुई है ना, इसने मतलब क्या ही बोले, गजनी बनी हुई, तभी तो स्टेटमेंट अपनी कही खुद ही बातें वो भूल जाती हैं, है ना। तो वहाँ पर अभी स्पोर्टर भी इनके वैसे ही बन रहे हैं। अब पुत्तन का कहना है कि तुम मेरे नाम से जाने जाते हो, और पुत्तन तुम किसके नाम से जानी जाती हो, उसके रिश्तेदारी में भी तो तुम नन्नू के नाम से ही तो जानी जाती होंगी, जहाँ नन्नू के जो साथ नए नए व्यूअर्स जुड़ रहे होंगे वो भी देखना चाहते होंगे कि इसकी पत्नी कौन है ना। कोई
ना कोई तो होता है ना, लड़कियां पहले बाप के नाम से जानी जाती हैं, फिर अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। तो पुत्र तुम ऐसा क्यों नहीं करती, ये रिवाज ही तुम बदल डालो, या फिर ये तुमने रिवाज ही बदल दिया है, है ना। कल के इतिहास में हुई पहली बार ये बात कि इतिहास ही बदलने पर लगी है पुत्तन की, पुत्तन का पति पुत्तन के नाम से जाना जाता है, ऐसी सरकारी नौकरी में लगी है पुत्तन की, देश का नाम रोशन करने के साथ साथ इसने पूरी नारी जाति का नाम रोशन कर दिया। इतना बड़ा काम कर दिया पुत्तन तुमने, ब्रेकअप हुआ तो सोशल मीडिया पर जब भी लाइव हुई, लाइव उधर से हुई है भी स्टोर तुम्हारी जिंदगी में, चाहे वो तुम्हारे सपोर्टर है। पुत्र आज ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बोला कि तुम्हारी लाइफ में ट्रिपल ले हैं, बच के रहना पुत्र, क्योंकि तुम्हें हमेशा ए लोगों से ही प्यार होता है, जिनका अल्फाबेट ए है तुम्हें उन्हीं से प्यार होता है, है ना। ब्रेकअप हुआ ए वाले से, शादी हुई ए वाले से, ठीक है, अभी जिससे तुम्हारे प्यार हुआ तुम्हारे भैया की जो जिंदगी में आई वो ए अल्फाबेट है ना, आप लोग देख, जो पुत्तन के सपोर्टर हैं वो भी ए पुत्तन, और कितने ए इकट्ठा करोगी तुम, तुम्हें ए नाम से इतना ही प्यार है, तो मैं पहले कह रही हूँ चिंटू का नाम बदल के भी तुम ए से ही कुछ रखो, तुम्हारी बनती भी इन्हीं से, तुम्हें प्यार भी, अट्रैक्ट भी तुम्हें वही लोग करते हैं, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि बस करो, बहुत हो गया तमाशा सोशल मीडिया पर बनाना, है ना, अपने ही परिवार का, और जहाँ पर कहना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तुम बहुत बड़ी वाली डिपेंडेंट हो अपने व्यूअर्स के ऊपर, तुम इतनी बड़ी वाली डिपेंडेंट हो कि तुम्हारे व्यूअर्स का ही तुम दिया खा रही हो, है ना। और दूसरी बात, अगर आज तुम्हारे मायके वालों की वजह से तुम अपनी ये छत बना सकी हो ना, तो फिर मायके वालों का ही नाम रोशन करो ना, तुम आज तक पीछे ही देखती चली आई, पीछे देखती चली आई। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ चुके हो तो। तुमने पीछे मुड़ के क्यों देखा, तुम्हारी टांगे घिसने के लिए, तुम्हारी लातें खींचने के लिए तुम्हारे खुद के ही सिबलिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे इंसल्ट ऑन कैमरा हमेशा तुम्हारे सिबलिंग ही करते रहे, अभी तुम्हारे सपोर्टर की वजह से तुम्हारा घर जो है ना बिखरा है। खराब होना अलग चीज है, बिखरा है, ठीक है। एक हम ही थे ना जो खुश हो गए थे कि हाँ भाई तुम लोग एक हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो लेकिन जो तुम्हारे आसार हैं, तुम चाहती ही नहीं हो कि कुछ ऐसा हो, तुम चाहती हो जिंदगी में दूरियां बनी रहें, ठीक है। और तुम ही हो वो लड़की जिसने कहा था कि 30 साल तक भी लगेंगे तो मैं हक लेकर रहूंगी, तुम अपने ही नाम से कभी सर्च करो ना, तुम्हारे सामने ऐसी शॉर्ट वीडियो आएंगी, तुमने कहा कि लड़कियां जी इतना टॉर्चर जब होती हैं वो कुछ का कुछ कर लेती हैं, तुम क्या क्या टॉर्चर हुई कभी एक्सप्लेन करो भैया, कुछ महीनों में कुछ दिनों में तुम इतनी टॉर्चर हो गई, 9th मंथ तक तुम टॉर्चर नहीं हुई, आफ्टर 9th मंथ तुम ऐसी टॉर्चर हुई कि ये भाग वो भाग, भाग मिल्खा भाग बन गई तुम, पुल के उस पार चली गई। अगर पति तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे तो पुल के उस पार चली जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है, तुम्हें तो इनवाइट किया गया था ना सोशल मीडिया पर कि जैसे गई हो वैसे आ जाओ, तुमने कमेंट सेक्शन में प्रॉपर एक लड़ाई लड़ी थी, तुम्हारी आदत हो गई है कि हर बात अपनी तुम यहाँ पर चौराहे पर ही लेकर आओगी और यहाँ पर ही सारे फैसले करवाओगी, है ना। तो ये चीज़ें गलत है, अदालत भी लगती है ना तो 4 दीवारी में लगती है, अदालत में भी वो होता है ना एक लाउड स्पीकर नहीं लगाते वो लोग कि हाँ जी अब जो है इसका डाइवोर्स होगा। अब तुम्हें ज्यादा आ रही हैं बातें कि हम लोग कहते हैं, ये डिंपल व्लॉग्स पर ही कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ कि भगवान ना करे कभी किसी की लड़की की जिंदगी में ऐसा भी कभी कोई दिन आए, मैं कहती हूँ भगवान ना करे कभी किसी लड़की की भी ऐसी बुद्धि हो, इतनी मंद बुद्धि कि तुम्हें अपने अभी तक अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं पता लगा, गलती पे गलती तुम करती चली जा रही हो। ब्रेकअप हुआ यहाँ पर, प्यार हुआ सोशल मीडिया पर, भैया हद हो गई, अब इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, वो अवेयर करे आप लोगों को, वो अवेयर करे कि इंस्टा पर दोस्ती मत करना किसी से, वो अवेयर करे फेसबुक पर अपनी यारियां मत बनाओ, सरकार अवेयर करे, सरकार के ही ये काम रह गए हैं। तुम इन्फ्लुएंसर हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम आज की जनरेशन को। इंडिपेंडेंट नारी है, इंडिपेंडेंट नारी है तो इसका मतलब ये है कि अपने से बड़ों को बुजुर्गों को वो दुत्कारती नजर आएगी, सोशल मीडिया पर इनवाइट करती हुई नजर आएगी कि आइए आंटी जी आप अपनी बहू को ले जाइए,
आइए आंटी जी आप मुझे ले जाइए जैसा आप चाहती हैं वैसा, मतलब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू व्यूअर्स का दिया ही खा रहे हो ना, तभी तो ऐसे एपिसोड बनकर आ रहे हैं। तो यही बात है, हर बहू बेटियों की इज्जत जो है बराबर होती है, तुमने कहाँ पर कहाँ कितनी इज्जत रखी है, तुमने अपने घर वालों की इज्जत रखी है पुत्र, जहाँ तुमने अपने ससुराल वालों की इज्जत रखी, बताइए। बिल्कुल औरत वही होती है जो पति के साथ स्पोर्ट बनकर खड़ी हो, तुम स्पोर्ट बनकर ही खड़ी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिश्ता नहीं निभा पाए, रिश्ता अपनी मनमर्जी से किया लेकिन नहीं निभा पाए, अब दूर दूर है, जब दूरियां हैं तो फिर ये सब नाटकबाजी क्यों, क्यों दिल में इतनी भड़ास भरी हुई थी कि मेरा दिल किया कि आज वो भड़ास निकाल ही दूँ, एक एपिसोड बनाकर डाल ही दूँ। भैया तू लाइव ही कर लेती है, एक लाइव और सब डिस्क्लोज पुत्र, ठीक है, कुछ नहीं भूले हैं हम, हमें आज भी वो एपिसोड याद है जब तुम्हें लोग कितना कुछ बोलते थे, किचन में तुम दाल बनाती थी, दाल के मारे वो छींटे, वो आज भी पब्लिक है जी, वो काफ़ी कुछ एपिसोड तो हाइड है लेकिन कुछ एपिसोड पब्लिक है, ठीक है। बहुत अजीब लगता था जब मैं वो कमेंट रीड करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये अपने एपिसोड बनाकर ये ऐसा क्या दिखाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था अर्निंग होती है, खूब अच्छी अर्निंग होती है ना। क्या थे आज, क्या बना दिया व्यूअर्स ने, और तुम अपने ऊपर ही वो सारी बात ले गई कि नन्नू क्या थे और क्या बना दिया। तुमसे अच्छा घर था नन्नू का, शादी से पहले उसने रेनोवेट नहीं करवाया, जैसे कि तुम्हारी ये भी स्टोरी में ब्रेकअप हुआ तो तुम्हारा घर उससे पहले रेनोवेट होना शुरू हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें सबको सब कुछ पता है। भगवान का शुक्र मनाए चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन पसंद तो तुम ही नहीं कर रहा था जाने के लिए वहाँ पर, ठीक है, पसंद तो तुम ही नहीं कर रहा था, और आज तुम ही कह रही हो कि मेरा दिया खा रहे हो। कोई किसी का दिया नहीं खाता, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसको उतना मिल ही जाता है, कहाँ से भी मिले कैसे भी मिले वो मिलकर ही रहता है, वो अपनी किस्मत का ही खा रहा है। अगर व्यूज नहीं पसंद कर रहे होंगे तो वो नहीं करेंगे, 6-7 हज़ार 5 हज़ार व्यूज पहले भी आ ही रहे थे उसको, जो तुम्हारी अभी न्यू स्पोर्टर्स आएंगे ना, जिनको तुम्हारा पता नहीं है, वो दिन भर सर्च करती होंगी, तुम्हारे ओल्ड एपिसोड देखती होंगी, बस वो उतना ही है, बाकी के कितने एपिसोड जो हैं वो हाइड हुए होंगे नहीं पता ना, हमें सब पता है, वो तुम्हारी लाइव पब्लिक नहीं है ना, वो हमने देखी है, हमें पता है, ठीक है। एबी स्टोरी के लिए वो क्यों नहीं बात कर लेती, क्योंकि उनको नहीं पता ना, उनको नहीं पता कैसे तुम वीडियो कॉल पर अपनी मम्मी से बात करवाती थी, मम्मी को नहीं पसंद था, मम्मी नहीं करती थी, और कैसे बड़की जीजी जो है रोके पर रोका सेरामनी पर नहीं आई थी, और क्यों नहीं आई थी, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। सो आज जी एक कमेंट और था मेरे पास आया, एक कमेंट ये था कि इसने पहले भी करवा चौथ का व्रत रखा था, तो जी मैं बताना चाहती हूँ कि पंजाबियों में रखा जाता है। ए बी स्टोरी का जो इसका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, तो वो भी पंजाबी थे और उन्होंने फैमिली भी पंजाबी थी, ओके जी, और ये जो चंपा है, चंपा भी पंजाबी है, चंपा ने भी व्रत रखा था शादी से पहले, तो रखा जाता है हम लोगों के यहाँ। बाद में ठीक है ब्रेकअप हो गया, वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाई, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है आज के ज़माने में, ठीक है ना, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। अभी पुत्तन ने कहा कि पंडित जी ने कहा था, पुत्तन जी तुम इतना पंडित जी को मानती हो, तो पंडित जी ने तो ये भी कहा था कि लड़की है ना तुम्हारी किस्मत में, एक बिटिया भी पैदा होगी, क्या तुमने बिटिया पैदा करने का सोचा है कि हाँ भाई बहन की जोड़ी बन जाए, तो भी तुमने रिस्पेक्टफुली कभी अपने पति को तो नहीं बुलाया है ना, तुम्हारी फैमिली कीचड़ कीचड़ बोलती है ना, तुम बोना पति बुलवाती हो, कागजी पति बोलती हो, चरित्रहीन पति बोलती हो, अत्याचारी पति बोलती हो, और पता नहीं कौन कौन सा पति बोलती हो, ठीक है, अब तू हो गया है ना, तो फिर भी कहती हो कि रिश्ता एक हो जाए, मेरे को तो पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, हो सकता आने वाले समय का कोई पता नहीं है, समय क्या क्या रंग बदलता है, तुमसे कहीं ज़्यादा ही समय रंग बदल लेता है ना। तो जो रही बात बच्चे की, बच्चा भी जब समझदार होगा तो बच्चा माँ के पास ही है, तो माँ के बारे में भी वो ज़्यादा जानेगा, बहुत ज़्यादा जानेगा माँ के बारे में, जिसके पास बच्चा होता है, ठीक है, बहुत जानेगा वो, तो इतना जान जाएगा कि उसको भी पता लग जाएगा कि मेरी मदर जो है ना, वो एक्चुअली में हमेशा ही गलत ही फैसले लेती है, और खुद के फैसले नहीं होते हैं उसके, उसको हमेशा से समझाया ही जाता है,
या फिर जैसे भी बड़ा करोगे, बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, जैसा डालोगे डल जाएंगे। तो ये पुत्तन के ऊपर मैंने ज़्यादा ही कुछ बातें कर लेती हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी पड़ोसन के ऊपर। तो मैंने बताया है ना कि पड़ोसन खुद के ही, वो जो उसने ऑडियो सुनाई थी हम लोगों को, तो वो जो ऑडियो हम लोगों ने सुनी थी उसके एपिसोड के थ्रू पब्लिक हुई थी, है ना, तो उस ऑडियो में कुछ और था। तो आज पड़ोसन जो बोल रही है, ऐसा मेरे साथ इंस्टा पर थोड़ा सा शेयर हुआ है, ज़्यादा नहीं है, तो वो कुछ गलत है, कुछ नहीं, सारी की सारी बात गलत है। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि उसको जो है ऑडियो एक बार फिर से नन्नू कहे कि पब्लिक करो, पब्लिक करो, ताकि वो सबूतों के साथ सब लोग वो एक्चुअली में सुन सके, और ये भी सुन सकें कि जो पड़ोसी देश की वो लड़कियाँ हैं क्या वो सही बोल रही हैं जो आज अभी उन्होंने बोला, है ना। और एक बात और कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, वहाँ पर लाइव करी थी पड़ोसी देश की उन लड़कियों ने, लड़की ने, है ना, और यहाँ पर करी थी लाइव नन्नू ने, नन्नू ने भी इतना मतलब वो चीज़ें बोल दी थी। उसके बाद उसने एक सॉरी का एपिसोड बनाया था, तो हमने बोला था ऐसी बातें करो ही क्यों कि सॉरी बोलना पड़े, लेकिन पड़ोसी देश की वो लड़की, उसने भी तो ललकारा था ना कि अगर तुम मर्द के बच्चे होते तो तुम ये करते, अगर तुम मर्द के बच्चे होते तो तुम ऐसा करते। तो गलत है ना ऐसे किसी को बोलना, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, टीचर हो, टीचर हो या जो भी हो, जॉब करती हो, एक बच्चे की माँ हो तुम भी, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई हैं किन्हीं कारणों की वजह से हमें नहीं पता, क्योंकि हमेशा ही लड़के वालों की नज़र में लड़के वाले गलत होते हैं और लड़के वालों की नज़र में लड़के वाले गलत होते हैं, है ना। तो जी इसमें सच्चाई कितनी होती है ये सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी ही जानती होती हैं, है ना। अगर हम इनके एपिसोड के बिहाफ पर ये बात रखते हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो पढ़ी लिखी समझदार है, तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हो पाई, ठीक है, तुमने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन पुत्तन डाइवोर्स देना नहीं चाहती, उसके बाद भी तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि पुत्तन को तुम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, है ना, तो फिर तुम लोग उसके पति के लिए ऐसा ऐसा बोलोगे या कैसे। तो फिर कल जो पति उसका बोला है कि मेरा घर खराब करने में तुम्हारा ही सबसे बड़ा हाथ है, जब पति उसका करैक्टर लेस है, पुत्तन का पति जो नन्नू है वो करैक्टर लेस है, चरित्रहीन है, तो उस चरित्रहीन के साथ तुम लोग बातें करती हुई क्या अच्छी लगती थी। करैक्टर लेस लोगों से तो लोग बहुत दूरियां बनाकर रखते हैं। तो आप जो है फ़ोन कॉल पर बात कर लेती थी, तो आपने जो है वो ऑडियो क्लिप जो है कहते हैं कि सेव कर ली, वो प्रूफ के एज ए प्रूफ, है ना। तो यही बात है, दूसरों का जो घर खराब करते हैं, ठीक है, लेकिन घर तो फिर खुद के भी नहीं बसते हैं। तो औरत औरत की दुश्मन है, मर्द मर्द का दुश्मन है, बच्चे बच्चों के दुश्मन है, सब लोग दुश्मन ही हैं, तो दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ज्ञान की देवियाँ बनने से पहले अपने अपने पीड़े थले सोटा मार लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहूँगा, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो बातें हैं ऑफ कैमरा वो अपनी ऑफ कैमरा ही रखो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। बहुत समय से मेरे कोई भी एपिसोड आप उठाकर देख सकते हो जिसमें सिर्फ समझाना 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 ही रहा, लेकिन अब जो है बहुत ही हो गया। हम लोग यही कहते आए कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप लोग इन्फ्लुएंस मत होना जो न्यूली मैरिड हैं या फिर जो अभी मैरिज करने वाले हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये नहीं कि हर कोई बाजी हारेगा ही हारेगा, है ना। बाजीगर वही कहलाता है जो बाजी जीत जाए, जो करके दिखाए, लेकिन ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पर अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दें, अपने बड़ों के करैक्टर पर इल्ज़ाम लगाएं जो कि 60-70 साल की औरतें हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, ठीक है, उनके करैक्टर पर बातें की गई हैं, तो शर्मनाक चीज़ें हैं, है ना। तो पता नहीं कैसे चेहरा देखती होंगी अपना, हमें तो खैर पता भी नहीं है इनके चेहरे क्या हैं, कभी सामने आए नहीं है, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि डरो डरो, पुत्तन को तुम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पुत्तन अपने आप में इतनी कैपेबल है कि वो ऐसे ऐसे टाइटल थंबनेल सब लगा सकती है, ठीक है। अगर उसको आप लोगों की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती तो वो भैया कब का डिवोर्स ले चुकी होती, है ना। तो अभी उसका तो खुद ही दिमाग नहीं है, वो क्या ही करे, नहीं तो वो चुप्पी रहती ना, नॉर्मल व्लॉग लेकर आती जैसे उसको समझाया गया, भैया तू अपना ध्यान रख, अपने बच्चे का ध्यान रख, नॉर्मल व्लॉग ला, तूने घर बना लिया, अपने घर में एंजॉय कर, यही है ज़िंदगी। लेकिन नहीं,
जिंदगी की दूसरे पहलू क्या हैं, धन सिक्के के दूसरे पहलू क्या हैं दिखाकर ही रहेंगे, लेकिन पार्लर पर दोनों दोनों पति पत्नी तैयार होकर मिलने जाते हैं फी फोन लगाकर एक दूसरे से, वो डिफरेंट ही है, वो भी ऑन कैमरा ही दिखाया जाता है, एक चेहरा ये भी है। अब आप लोगों को क्या पता कि पीछे से इनकी गिटपिट होती हो तो आप लोगों को पता है ना, नहीं ना पता, हम लोगों को वो ही पता है कि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। तो बाकी जो है अब आप अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें सभ्य तरीके से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।